बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ हो खुशियो खुरम हो, और दुआ है कि अल्लाह के अमान में कामयाब ओ कामरान रहें। वेलकम बैक टू बीकेएस वर्ल्ड। अच्छा जी, आज की मेरी वीडियो के टाइटल से आपने देख लिया होगा, पार्ट टू मैं इसको बना रही हूँ। मैंने पूछा था कि आप बताएं किस किस्म का टैलेंट है जो बग़ैर मेहनत के आपको रातों रात करोड़पति बना देता है। हालांकि वो लोग जो सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत सारे शोबों में सारी ज़िंदगी खप खप के एंड पे पहुँचते हैं, ज़िंदगियों के एंड पे फिर उन्हें कामयाबियाँ मिलती हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रातों रात को कामयाब हो जाते हैं, और कामयाब करने वाला कौन है, उसको बढ़ावा देने वाला कौन है, ये हम लोग ही हैं। अगर हम अपनी अक़ल को इस्तेमाल करते हुए, दीन और दुनिया को समझते हुए ज़रा अकल से काम लें, तो हम इस ट्रेंड को ना बनाएं इस ट्रेंड को, और इन चीज़ों को बढ़ावा ना दें। बल्कि उसके बदले वो लोग जिन्होंने मसलसल मेहनत की और फिर कामयाबी हासिल की, उनकी तरफ ट्रेंडिंग को मोड़ दें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि बाकी आपकी जो कौम के बच्चे हैं वो भी उसको अपना आइडियलाइज करें, आइडियल बना के उसको चलें, और उस ट्रेंड को मोटिवेट हम भी करें और वो भी इस पर चलें। ठीक है जी, ये रातों रात कामयाबी जो थी इसको प्रमोट हम लोगों ने किया, जो कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप लोग भी इसमें हिस्सा डालें। अपनी अच्छी जो भी आपकी राय है इसके पसंदीदगी में है या फिर नापसंदीदगी में है, लेकिन अपनी राय तो काइंडली डालें, ताकि कल को आप भी बोलने को लायक हों कि हाँ जी ये गलत चीज़ थी जो है, और जिस ट्रेंड को हमने भी नापसंद किया गया। और यहाँ तो है फिर अल्लाह के आगे भी जवाबदेही है, तो काइंडली हम जितना भी जिस जिस पोजीशन पे हैं हम लोग, अपना अपना जितना भी बनता है हिस्सा डालें, बोल के, लाइक करके, अनलाइक करके या कमेंट करके, या भी जिस तरह भी, ये आपकी छोटी छोटी जो एफर्ट है ना, वो भी मिलके एक बड़ी एफर्ट बन के बाहर आती है और वो वर्क करती है, ताकि पता चले कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे स्टूडेंट जो मुख्तलिफ शोबे में हैं, वो कितनी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। ना कि वो इंडिया वालों की तरह, उनको तो ये गाना सुन के ना उनकी खोई हुई और सोई हुई और फोत हुई माँ याद आ गई हैं, लता जी, काश ये जान पाएँ कि वो कब्र में किस हाल में हैं, वो क्या हैं। लेकिन बहरहाल उनके बारे में भी हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मज़हब के मुताबिक गाना बजाना ये सब कुछ उनके लिए आम रूटीन बात है। लेकिन एज अ मुस्लिम और पाकिस्तानी होने के नाते हमें उन लोगों की एफर्ट को भी सलाम करना चाहिए, जो सारा टाइम बहुत अरसा लगा के खप के कितने मुश्किल हालात से गुजर के डॉक्टरी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, बहुत से शोबे, IT है, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनको उनकी फील्ड में जा कर देखें, उनमें भी बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बहुत से एफर्ट के बाद बहुत कामयाबियाँ उन्होंने हासिल की हैं, ताकि हमारी आने वाली नस्ल भी कामयाब हो सके। तो आज की वीडियो का यही मकसद था कि भाई मैं तो सख्त इस चीज़ के लिए, ट्रेंड के जो गलत चीज़ की तरफ जा रहा है और गलत कर रहा है, बाकियों को भी इसकी गलत रगबत दे रहा है, और फिर बाकी की भी कुछ आवाम ऐसी है, सादी है, कि उसी के पीछे, ट्रेंड के पीछे चलना शुरू हो जाती है। लिंक काइंडली अपना अपना हिस्सा डालें। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और ये कमेंट करके भी मुझे बताएं कि आपको इस चीज़ पसंद आई है कि नहीं आई, कि मैं जो मेरी छोटी सी काविश है तो वो मैंने तो की है, लेकिन आप लोगों की काविश इसमें क्या है, आप लोग क्या सोचते हो, जिस जिस पोजीशन पे हो आप इसको अपने एफर्ट को यूज़ करते हुए अपनी पसंदीदगी नापसंदीदगी के इजहार को डालो, ताकि वो लोग जो ये रातों रात करोड़पति बना दी गई है लड़की, खुद तो नहीं बनी, हम ही लोगों ने इसे प्रमोट करके बनाया, ताकि वो लोग जो सारे ज़िंदगी की सारा साल मेहनत कर कर के एक मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, वो जो डिप्रेशन में आ गए हैं, कि बेहतर तो यही है, कुछ लोग तो यही कह रहे हैं किताबें फाड़ के नाचना शुरू कर दें, ठुमके लगाना शुरू कर दें, ताकि रातों रात हम भी ही करोड़पति बन जाएं, ऐवे सारे साल अपने ज़िंदगी के बर्बाद करने का क्या फ़ायदा है। बात भी उनकी एक तरफ से ठीक ही है, बहरहाल आप भी सोचें, मैं भी सोचती हूँ, मैंने भी अपने राय का इजहार किया है, तो आप भी अपनी राय का इजहार पसंदगी और नापसंदगी के ज़रिए करके अपना हिस्सा लाजमी डालिए इस चीज़ में। ठीक है जी, आज की वीडियो यहीं तक है, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं भी मज़ीद कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँ और आपका मेरा ये रिश्ता बना रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें,
जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह की अमान में रहें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।